शाउट आउट हमारे डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमारा जो पिछला गल्फ का प्रैक्टिस का वीडियो था वो देखा, उस एलिमेंट को प्रैक्टिस की, इंस्टाग्राम पे शेयर किया और हमें टैग किया। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपको शाउट आउट दें तो आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा और हमें टैग करना ज़रूर याद रखिएगा। हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आपको पता चल गया होगा कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन। मैंने पहले भी कहा है कुछ भी सस्पेंस नहीं रख सकते, टाइटल के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। जी हाँ, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कटवर्क स्टाइल मेहंदी। कटवर्क स्टाइल मेहंदी के बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं और इसीलिए ये कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इसके जो अलग अलग तीन नाम मुझे मालूम है वो है, एक तो कटवर्क जैसे मैंने बताया, दूसरा रिवर्स नेगेटिव स्टाइल मेहंदी और तीसरा लोटस मेहंदी। हर एक आर्टिस्ट अपनी सहूलियत से नए नए एलिमेंट को नाम दे देते हैं और फिर जब वो प्रचलित हो जाती है तो कई बार नए स्टूडेंट में, नए आर्टिस्ट में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। कोई इसे कटवर्क कहता है, कोई इसे रिवर्स स्टाइल नेगेटिव मेहंदी कहता है, कोई इसे लोटस स्टाइल मेहंदी कहता है। लोटस स्टाइल मेहंदी क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत लोटस एलिमेंट से हुई। हाउ इट स्टार्टेड, कटवर्क स्टाइल मेहंदी कैसे शुरू हुई? पहले जब ये शुरू हुई तब इसमें सिर्फ लोटस बनते थे, स्वर्ल बनते थे और लीव्स बनते थे। ये तीन एलिमेंट को मिला जुला के ये डिज़ाइन बनाई जाती थी। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो आया है ड्राइंग में, एक स्टाइल होती है डिज़ाइनिंग की, उसे हम कहते हैं मुक्त हस्त चित्र, फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये जो स्टाइल है वहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है और इसमें ज़्यादातर लोटस, स्वर्ल और लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये प्रचलित हुई इसके लुक की वजह से। जी हाँ, कटवर्क की जो मेहंदी डिज़ाइन है उसका लुक बहुत ही प्रोमिनेंट है, दूर से भी वो डिज़ाइन में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है, बोल्ड लुक है, उसमें जो कलर आता है मेहंदी का वो बहुत ही डार्क आता है। तो जो हम स्टाइलिंग करते हैं, बोल्ड डिज़ाइन बनाते हैं, उसका डार्क कलर आता है, लेकिन जो डिज़ाइन हम खाली छोड़ते हैं नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से हम बहुत ही बढ़िया सा एक कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन में क्रिएट करते हैं और इसी की वजह से कटवर्क स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन पूरी पॉप आउट करती है, पूरी मेहंदी की डिज़ाइन में वो पॉप आउट करती है और इसीलिए सबको ये बहुत पसंद आती है। थोड़ी चैलेंजिंग है खास करके नए आर्टिस्ट के लिए। इसमें क्या चैलेंजेस है, किस तरह से ये एलिमेंट हमें डिज़ाइन में बनाने चाहिए, पूरा एक डिटेल वीडियो कटवर्क के ऊपर जो हमारा क्लास है, हमारे क्लास प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही डिटेल में उसको सिखाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन में वो भी दूर हो जाएगी और आप परफेक्टली ये डिज़ाइन बनाने लगोगी। फिर भी प्रैक्टिस के दौरान आज मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। क्या होता है कि हम पहले एलिमेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ज़्यादातर हम एलिमेंट छोटे छोटे बनाते हैं, स्मॉल साइज के बनाते हैं और जब हम जाके उसको बोल्ड आजू बाजू भरते हैं तो सडनली वो एलिमेंट हमें बहुत ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं। कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्पेसिंग है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आएगा कि किसको पॉजिटिव बोलते हैं, किसको नेगेटिव बोलते हैं। जो बोल्ड हम डिज़ाइन भरते हैं
उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जो एलिमेंट हम खाली छोड़ते हैं उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव स्पेसिंग और नेगेटिव स्पेसिंग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन में। ज़्यादातर नेगेटिव स्पेसिंग 80 से 70% होना चाहिए और जो पॉजिटिव बोल्ड लुक है वो सिर्फ 20 से 30% ही पूरा होना चाहिए। जो कटवर्क की डिज़ाइन है उसमें थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड नेचर है, फ्लोरल अरेंजमेंट है, और इसी की वजह से भी कई बार हमें वो डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम लगती है। अगर आपकी पेस्ट बहुत ही गीली है, वेट है, तो डिज़ाइन आपकी फैल जाती है। अगर आपकी पेस्ट गाढ़ी है तो इवनली उसका स्टेन नहीं आता, पूरा जो बोल्ड पार्ट है वो अच्छे से भरता नहीं और कई बार स्पॉट छूट जाते हैं। और ये डिज़ाइन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, स्पेशली जब हम बोल्ड पार्ट भरते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये कहाँ पर डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है? ये डिज़ाइन में कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाता है, एनी वेयर। डिज़ाइन के किसी भी पहलू में आप इस एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ये स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मेन मोटिफ के तौर पे, बॉर्डर्स जो हम बनाते हैं वहाँ पर, स्टार्टअप डिज़ाइन जो हम करते हैं वहाँ पर, फिलर एलिमेंट के तौर पर फिंगर्स के ऊपर भी ये डिज़ाइन होता है। हम कटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं? गल्फ एलिमेंट की तरह कटवर्क एलिमेंट भी बहुत ही बोल्ड लुक देता है और इसीलिए हम डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए कटवर्क मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रेज़ क्यों हुआ, इतना पॉपुलर क्यों हुआ, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, मैं कटवर्क की स्टाइल बना रही हूँ बांधनी में। बांधनी हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल टाई एंड डाई की मेथड है जो हम फैब्रिक में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है जिसको अब हम मेहंदी के डिज़ाइन में ढाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम कटवर्क की जो स्टाइल है, टेक्निक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंकली मैं बता दूँ, ये डिज़ाइनिंग बांधनी की जो मेहंदी में है वो इस तरह से फुल फ्लेज मैं जो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं डिज़ाइन में कभी नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसका जो स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर फिर जो स्मॉल स्मॉल हम डॉट्स और लाइनिंग करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो पर्सनली अगर मुझे यूज़ करना है बांधनी को मेहंदी के अंदर कटवर्क स्टाइल में, तो मैं एज ए स्मॉल फिलर फिंगर्स में इस्तेमाल करूँगी या मेन डिज़ाइन में एज ए छोटा सा फिलर इस्तेमाल करूँगी। लेकिन इस तरह से जैसे मैं अभी बॉर्डर में इस्तेमाल कर रही हूँ वैसा मैं कभी नहीं करूँगी। ये प्रैक्टिस करते वक्त भी मेरा पेशेंस लॉस हो रहा था, मैं लिटरली गिव अप कर रही थी, और इसीलिए आपको दिखेगा कि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बीवेयर, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कटवर्क की डिज़ाइन मेहंदी में इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट ने हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल है, जैसे कि केरला मुराल, कलमकारी के जो हमारे पीकॉक है, लोटस है, वो हम बहुत ज़्यादा अब कटवर्क स्टाइल मेहंदी में इस्तेमाल करते हैं। वार्ली जो हमारी ट्राइबल डिज़ाइन स्टाइल है, मधुबनी वो भी हमारी बहुत ही पुरानी ट्राइबल स्टाइल आर्ट है, उसका तो हम बहुत सालों से मेहंदी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पच्चित्र और इस तरह के हमारे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, उन सब का हम आजकल मेहंदी में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसे ज़्यादातर कटवर्क स्टाइल के साथ ही मिक्स करते हैं। ये जो भी ट्रेडिशनल आर्ट का मैंने अभी नाम दिया, अगर आपने वो डिज़ाइन में ऑब्जर्व नहीं किया है, मेहंदी के डिज़ाइन में ऑब्जर्व नहीं किया है, तो अब से ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई डिज़ाइन देखो आपको अच्छी लगे, उसमें कटवर्क का एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है, तो आप ध्यान से देखो कि
किस तरह से उसको इस्तेमाल किया है और कौन से आर्ट फॉर्म का यूज़ करके इसको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगी। क्योंकि कटवर्क में हम अब हर तरह के फ्लावर का भी इस्तेमाल करते हैं, एम्ब्रॉयडरी के जो बुट्टे होते हैं, जो ड्रेस एम्ब्रॉयडरी में, साड़ी एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है, वो एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन भी हम कटवर्क के स्टाइल में मिक्स करके मेहंदी की डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जो डिज़ाइनिंग स्टाइल सिर्फ 3 एलिमेंट से शुरू हुई थी, आज जाके उसमें इतनी वेरिएशन आ गई है कि हर एक आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि अब हम इसमें क्या नया लाएं। झुमके की डिज़ाइन इसमें आ चुकी है, ज्वेलरी की डिज़ाइन इसमें आ चुकी है, इवन फिगर ड्राइंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम सांझी, जी हाँ, ये भी एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जब हम सांझी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव का जो लुक है वो चेंज कर देते हैं। तो ये सब हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, उसको हम जब मेहंदी में लेके आते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं कटवर्क स्टाइल मेहंदी के साथ जोड़ के इस्तेमाल करते हैं। आइडियाज़ मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं, कहाँ कहाँ से आपको लाना है वो अब आपको तय करना है, और आप उसको किस तरह से मेहंदी में यूज़ करोगे वो भी अब आपके हाथ में है। मैंने बहुत सिंपल यहाँ पर कटवर्क स्टाइल मेहंदी की डिज़ाइन को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत तो है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है कटवर्क स्टाइल का। आप जितना अपना इमेजिनेशन को दौड़ाओगे, आप जितने अपनी इमेजिनेशन को पंख दोगे, उतनी क्रिएटिविटी आपकी मेहंदी की डिज़ाइन में आएगी। और मुझे विश्वास है, अगर आप मेरे क्लास का जो प्लेलिस्ट है, कटवर्क का जो स्पेशल टॉपिक है, उसको देख के ये स्टाइल सीखते हो, हमारी इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमने प्रैक्टिस किए हैं और सीखा है, वो भी आप जाके हमारे वीडियो से सीखते हो, तो आप कटवर्क की अपनी गेम को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हो। चलिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये प्रैक्टिस तो बहुत ही बढ़िया रही, अगली आने वाली प्रैक्टिस इससे भी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो इसी के साथ मैं बिना हार्ड पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ, हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। और याद रखिएगा, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव करोगे तभी प्रोग्रेस करोगे। बाय एवरीवन।